नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ मेरे सभी भाई बढ़िया होंगे, राजी खुशी होंगे अपने अपने घरों में। मेरे भाइयों, मैंने वीडियो देखी थी कि 733 स्वराज आपके सामने भी बहुत सारी वीडियो आ गई है, लाखों में व्यूज हैं कि भाई 733 वाले किसान के साथ हुआ धोखा, मतलब कि उसे जो है भाई को डिफॉल्टेड पीस पकड़ा दिया। सबसे बड़ी गलती मैं किसान भाई की मानता हूँ, आपने जो है डेमो क्यों नहीं लिया। ठीक है, एक दिन का डेमो या दो तीन घंटे का डेमो साफ बताता है कि ट्रैक्टर की हालत क्या है। वो जो भाई एक डीजल दिखा रहे हैं उसके ऊपर कि भाई डीजल लीक हो रहा है, वो हो रहा है। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई आपने डेमो नहीं लिया तो सबसे बड़ी गलती है आपकी। दूसरी सबसे बड़ी गलती है डीलर की, इसलिए है क्योंकि डीलर डिफॉल्टेड पीस रखता है। डीलर को पता होता है कि वो डिफॉल्टेड पीस है, पर डीलर मानते नहीं है, वो चाहे कोई सी भी कंपनी का हो। क्यों? कंपनी को पता नहीं होता कि इस चीज में डिफॉल्ट है। जब वो आर एन डी करती है तो उसे पता होता है कि इस चीज में डिफॉल्ट है, इंस्पेक्शन करा जाता है जब। ठीक है ना, कंपनी को भी इस बारे में पता होता है, पर कंपनी से डीलर जान पूछ के ट्रैक्टर लेते हैं क्योंकि इन्हें सस्ता पड़ता है ट्रैक्टर। मैं कोई सी भी एक्स वाई जेड कंपनी की बात कर रहा हूँ, आइसर हो, महिंद्रा हो, स्वराज हो, बड़ी बड़ी कंपनी जितनी भी मैंने नाम ले दिया, मैसी हो, सबको पता रहता है कि इस ट्रैक्टर में क्या कमी है। पर वो अगर मान के चलो कहीं ट्रैक्टर के ट्रोला जहां से ट्रेलर आता है वहां पलट गया सपोज करो, और वो ट्रैक्टर मतलब खराब हो चुके हैं कि भाई वो देने लायक नहीं है, तो वो दोबारा कंपनी पे ही गोदाम में चले जाते हैं। उसके बाद उनपे दोबारा से रिफर्मिश्ड, एक जिस शब्द कहते हैं रिफर्मिश्ड, दोबारा रिस्टोर किया जाता है। अगर रिम खराब हो गया तो उसे रिम को बदलेंगे नहीं, रिम का जो वो हो गया एक तरीके से बदल भी दिया चलो, अगर गद्दा है तो उसमें हल्का सा डेंट पेंट कर देंगे। भाई किसान पुराने ट्रैक्टर के पैसे दे रहा तुम्हें, नए ट्रैक्टर के पैसे दे रहा तो भाई उसे नई चीज दो ना, अच्छी चीज। पर डीलर को उसमें सबसे ज्यादा बसता है, और कंपनी को भी सोचती है कंपनी की भाई निकल जाए, कोई बेवकूफ है, मतलब किसान को आपने बेवकूफ समझ रखा है कि आपसे दबेगा। और मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा हर भाइयों को जिसे ट्रैक्टर चलाना है, लेना है, भाई किसी के वैसे आ रहे हो तो भाई मुझे पता नहीं दो नंबर से आ रहे कि भाई उसे 10-15 लाख रुपए कुछ लगते नहीं, जिसे 5-6 लाख रुपए लगते हो मीडियम से औसत है, और उससे भी नीचे है मीडियम से भी परिवार से, जिसे भाई ले गया कर्जा, मतलब कि एक तरीके से भाई कर्जे से ट्रैक्टर लाया है, दूसरी बात उसे बिजनेस कर से उसे काम करना है, बिजनेस अपना जो भी खेती जुताई का करना है, तो भाई आपके लिए आप एक काम करो, आप उसे आधे पैसे दिया करो डीलर को हमेशा, और इस चीज को रिकॉर्ड कर लिया करो कि भाई मैं आधे पैसे दिए हैं। डीलर कुछ चीज इस चीज को रिकॉर्ड करे कि भाई मैंने आधे पैसे दिए, अगर चीज अच्छी निकलती है तो मैं पूरे पैसे दूंगा। एक हफ्ते में हर चीज का पता चल जाएगा कि भाई क्या चीज के लक्षण है। ठीक है ना, समझ में आए आपको? तो भाई ऐसी बात है, अब देखो इसमें भी आप अपवाद निकल जाएंगे कि भाई बहुत से भाई ऐसे हो बढ़िया निकल जाए, पैसे नहीं देते फिर डीलर पीछे घूम हो जाओ। हर चीज की रिकॉर्डिंग हो, पर आदमी इस चीज के सिरदर्दी के बचने के लिए उन्हें कहते भाई हमें तो पहले पूरे पैसे दे दो, क्योंकि बहुत सारे अपवाद हो चुके हैं कि भाई डीलर के पैसे नहीं दिए और वो है, उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा। आप सबसे पहले डेमो लो। डेमो क्यों नहीं लेते आप लोग, शर्माते हो है? अगर चीज आपको लेनी है तो आप डेमो क्यों नहीं लेते? जब डेमो लोगे आपको सब पता चल जाएगा, जब 3-4 घंटे आप डेमो लोगे, और 3-4 घंटे का मैं ये नहीं कह रहा, 3-4 घंटे जब डेमो लोगे तो आप उसके तेल से चलाओ डीलर के, अपना तेल गिरवाओ उसमें कि भाई मैं तो अपना तेल फूक रहा, इसका 15-20 लीटर तेल लिया हो, क्या दिक्कत है आपको 15-20 लीटर लाने में, जब आप 6 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। और इन भाइयों से भी मैं कहना चाहूंगा, राहुल भाई से और निखिल भाई से और शोभित भाई से, इन तीनों भाइयों ने वीडियो बना ली, भाई आप इस भाई को जो है एजेंसी पे क्यों नहीं लेके जा रहे, 10-15 आदमी जुड़ के जाओ, तीनों चैनल वाले जाओ, आपने वीडियो बनाई है, मतलब आप वहां तक वीडियो जा सकते हो, आप वहां पे क्यों नहीं जा रहे वीडियो बनाने? आप जाओ, मेरा एक सजेशन है, आप वहीं पे जाओ डीलर के पास, और राहुल भाई को जैसा फोन आया था डीलर का कि आपसे कुछ बात करनी है, आप किसान को लेकर जाओ ना, आपसे क्या बात करनी उन्हें, किसान को लेकर जाओ, 10-5 आदमी गोल लेकर जाओ, भाई ये बता क्या बात करनी, हमने कोई गलती कर दी वीडियो बना के 733 की? और सबसे पहली बात ये है, ट्रैक्टर वो लो जो चलन में हो, 575 चलन में है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट है। दूसरी चीज, जो फ्लैगशिप ट्रैक्टर है एक तरीके से, जो सबसे ज्यादा बिकती है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 485 आइसर का सबसे ज्यादा बिकता है। अपवाद ट्रैक्टर मतलब बिल्कुल भी, जो बहुत कम चलते हैं, 733 ये हाल फिलहाल का ट्रैक्टर आया हुआ है और बहुत कम लोगों ने लिया है, 744 ले लो, 735 ले लो, 33 का क्या मतलब है, 35 क्यों नहीं लिया भाई, किसान भाई को मैं खुद पूछ रहा। कंपनी उन ट्रैक्टरों पर बहुत कम ध्यान देती है जो बहुत कम बिकते हैं, ये आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी कोई भी कंपनी हो एक्स वाई जेड, उन चीजों पर बहुत कम ध्यान देगी
जिसकी चीज वो बहुत कम बिकती है उस पर रिसोर्स डेवलपमेंट ही नहीं करेगी, क्या दिक्कत है उसे रिसर्च करने की नहीं उस पर, ठीक है ना। रिसर्च जब तक चीज पर नहीं करेंगे तो चीज कैसे उभर जाएगी एक बात बताओ। और डिफॉल्टेड पीस होते हैं, अभी समझ जाओ डिफॉल्टेड पीस होते हैं, आपको नहीं पता चलेगा। अगर आप दो चीज अपने आप ही बनाने लगो ना तो दोनों चीजों में फर्क मिलेगा आपको। मान के चलो पहले टाइम में मोची तो आज भी होते हैं, अगर उन पर दो जोड़ी जूते अलग अलग बनवाने लगो तो फर्क मिलेगा। यही फर्क होता है भाइयों, चाहे वो कंपनी पे चीज बनी हुई हो चाहे किसी पे ही बनी हो, ठीक है ना। अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो भाई, देखो 733 वाले किसान को इंसाफ मिलना चाहिए, और किसानों का जो है एक तरीके से पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आदमी पढ़ा लिखा होता है तो बाहर वो बोलता हुआ हिचकता नहीं है। अगर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तो पढ़ा लिखा आदमी उसे दबा देता है अपनी बोली सही, ठीक है ना। और देखो मैं कंपनी को भी ये कहना चाहूंगा कि भाई आप लोग किसानों से हो, किसान आपसे नहीं है, आप क्यों नहीं समझ पाते इस चीज को। हर मैं हर किसी से बात कर रहा हूँ, और किसानों में भी मेरे भाई एकता होनी चाहिए। अब बहुत से मेरे भाई कहते हैं कि देखो कहाँ से ट्रैक्टर ले आया, उसमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो कोई इंजीनियर थोड़ी है। अब ऐसा भी होता है कि अगर किसी के ट्रैक्टर में डिफॉल्ट निकल जाए तो पड़ोसी या अगर उसे जिक्र करता है किसी ट्रैक्टर वाले के पास, वो उस चीज की खिली लेता है। दूसरा भाई वो इंजीनियर थोड़ी है जिसने लिया, वो तो दिक्कत आपके साथ भी हो सकती है, क्यों ना हमारी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप 10-15 आदमी खुद जुड़ के चले जाओ कि भाई इसमें ट्रैक्टर में फॉल्ट है, इसे बदल के क्यों नहीं दे रहे आप लोग, डीलर अपने आप बदल के देगा, एक न्यूज चैनल वाले को ले जाओ, क्या दिक्कत आ गई। तो ये हमारे थोड़ा सा भारत को जो है एक मजबूत बनना पड़ेगा सोच से, और एकता लानी पड़ेगी इस चीज में। भाई मैं किसी भी कंपनी को सपोर्ट इसीलिए नहीं करता ज्यादातर, बहुत से मेरे भाई देखो जिस चीज लेते हैं उसे इमोशंस जुड़ जाते हैं उससे, कि भाई दिल से लगाव हो जाए कि भाई ये मेरा अगर चीज अच्छी निकल गई तो कोई इसके बारे में बुरा ना कह दे। भाई आपके साथ अच्छा होगा, क्या पता दूसरे के साथ दिक्कत आई हो इस चीज में। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि सब चीज आपके हिसाब से चलेगी, क्या पता आपके साथ ठीक हुआ हो तो उसके साथ गलत हो गया, तो उसके साथ गलत हो गया तो वो आवाज नहीं उठाएगा क्या, आपको भी उठानी चाहिए साथ में, है ना। तो यो भी बताना चाह रहा था मेरे भाइयों। दूसरी बात, सबसे पहले कोई भी कंपनी का लो XYZ डेमो लो, दो दिन का डेमो लो और अपनी तरफ से पैसे गिरवाओ, तेल गिरवाओ अपने पैसों से, ठीक है। कोई डीलर मना नहीं करने का, अगर डीलर मना करे तो ट्रैक्टर मत लो, दूसरे डीलर के पास जाओ या दूसरे कंपनी पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है ना। कोई जरूरत नहीं है कंपनी का ट्रैक्टर लेने, ट्रैक्टर सारे एक जैसे चले, वास्तव में यही बात है। ट्रैक्टर 19-20 का फर्क है, सब एक जैसे चले, आपको इस चीज का पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। धन्यवाद मेरे।